हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ये जो भीड़ तंत्र है, लोकतंत्र के ऊपर हावी होता जा रहा है, और इस मोवोक्रेसी को रोकने के लिए आम जनता को अब एकजुट होने की जरूरत है। दोस्तों, जो मैंने लिस्ट आपके सामने यहाँ पर शेयर किया है, ये ऊपर से नीचे तक लिस्ट आप पढ़ते जाइएगा, और भी नंबर नाम है, काफी नाम जुड़े हुए हैं, लगभग 60-70 नाम है जिनको आपको पढ़ना है, और मैं हर एक एक नाम का नाम लूंगा मैं, जिसका जिसका नाम यहां पर शामिल हो रहा है दोस्तों। और आगे ना जाने पिछले एक साल में, जब चूंकि 2019 तक मोदी सरकार है, तो एक साल में और ना जाने कितने नामें जुड़ेंगी, उस पर भी आप लोगों को गौर करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये जो है नाम जो आपको दिख रहा है, रकबर खान से लेके मोहम्मद आजम, जतिन दास, मोहम्मद रियाज, सिंधु बाई गिरे, गजानन गिरे, अप्पा इग्नोर, भरत मालवे, राजू भोसले, भारत भोसले, ददारे भोसले, विनोद विहारी, गोपाल साहू, सुकंता चक्रवेदी, जहीर खान, संता देवी, समीउल्लाह, कासिम मुर्तुजा, मैं एक एक करके पूरे 60-70 नाम को जोड़ूंगा जो पिछले 2014 से लेकर अब तक डेमोक्रेसी के ऊपर हावी हुए भीड़ तंत्र ने, लोकतंत्र के ऊपर हावी हुए भीड़ तंत्र ने साबित कर दिया है कि ये जो निकम्मी सरकार है, ये जो गैर जिम्मेदार सरकार है, ये जो बीजेपी के 56 इंच की सरकार है, वो मेरे ख्याल से हर तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। मैं आप सब लोगों के कमेंट भी पढ़ूंगा, आप सब लोगों को पहले सलाम, आदाब, नमस्कार। ये जो नाम मेरे साइड में दिख रहा है ना आपको, अकबर खान से लेकर नीचे सिराबुद्दीन अंसारी तक, इसके अलावा और भी नाम है, लगभग 70 नाम है जिनको मैं एक एक करके बताऊंगा, और इस नाम में आप लोग एक एक नाम को गौर से पढ़िएगा। मैं इसलिए ये टॉपिक पे भी यही लिखा है मैंने कि इस नाम में आप ये बताइए कि कौन से नाम बचे हुए हैं। लोग जो ये कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ मुसलमान को मारा जा रहा है, या हिंदू को मारा जा रहा है, या सिख को मारा जा रहा है, इसमें कौन ऐसा नाम है जो बाकी आपको दिख रहा है? ना हिंदू बाकी दिख रहे हैं, ना मुसलमान बाकी दिख रहे हैं। तो फिर आपको गौर करना है कि क्या ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र के लिए जो भीड़ तंत्र हावी होता जा रहा है, क्या ये जो सरकार है जो अपने वादे करके आई थी उस पर पूरी नजर आ रही है? इसके बाद आप अपनी राय बनाइएगा, और इस भीड़ तंत्र को रोकने के लिए सरकार से क्या हम सब की मांग है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक एक नाम, 70 नाम है टोटल मेरे पास, सबका डिस्क्रिप्शन है, कब किसके साथ क्या घटनाएं घटी। लेकिन अगर मैं सबके डिस्क्रिप्शन के पास जाऊंगा तो काफी वक्त लग जाएगा, और मैं नहीं चाहता है आप लोगों का ज्यादा वक्त लेना। दोस्तों, एक एक नाम पढ़िए, मैं फिर से दोहराता हूं। यहां पर आप देखिए, अगर रकबर खान है तो जतिन दास भी मारे गए हैं, अगर मोहम्मद रियाज हैं तो सिंधु बाई गिरे भी मारे गए हैं, अगर गजन गिरे हैं तो अप्पा इग्नोरे, भरत मालवे, राजू भोसले, भरत भोसले, आप देखो इसमें हिंदू नाम भी है, मुस्लिम नाम भी है। तो कौन कहता है कि ये जो आतंकवादियों का गठन है, ये जो आतंकवादियों की भीड़ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? फर्क सिर्फ ये है कि जो मीडिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम को ज्यादा उछालती है, क्योंकि ये मामला गाय से जोड़कर दिखाया जाता है। जबकि बड़े बड़े 5 स्टार होटल हुआ, या गोवा हुआ, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, वहां पे गाय भी खाया जाता है, गाय को लोग हर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये कहीं ना कहीं मीडिया और देश की नेता जो है, देश के जो नेता है, जो राजनीति है, वो मुसलमान और गाय के नाम को इस्तेमाल करके देश की राजनीति को भटकाना चाहती है, और हिंदू मुसलमान करके देश को तोड़ना चाहती है ताकि वोट पोलराइज हो सके। आप नाम पढ़िएगा, सिराबुद्दीन के अंसारी के बाद से अगला नाम जो है शिवाजी शिंदे, हिंदू नाम, भरत सोनालवे, अभिजीत नाथ, नीलोपता दास, चंद्रैया, कालूराम, सिराज, रुकमणि, प्रदीप राठौर, अजय जाधव, नीरज यादव, मधु चिंदाकी, मोहम्मद अफराजुल खान, मोहम्मद मोमिन, अबू बकर, मोहम्मद इसराफिल, मोहम्मद इसरार, मोहम्मद गुलजार, उम्मा खान, वसीम अहमद तांकरे, सिद्धार्थ सोलंकी, दिगांते महेरिया, जयेश सोलंकी, नीलम अहिरवर, अहमद खान, अहमद, हफीजुल शेख, अनवर अनवर हुसैन, लाल हुसैन, मान देवी, सलीम, कार्तिक घोष, असगर अली, ओतेरा बीबी, उस्मान अंसारी, मोहम्मद नासिर,
मोहम्मद समीरुद्दीन, नसीरुल हक, हफीज जुनैद, डीएसपी को भी मारा गया था, आपको याद होगा, डीएसपी अहमद अयूब यूपी में, एनुल अंसारी, रेहान, आसिफ, जफर खान, सुशील जाधव, अरविंद राज, क्रुपियन, ये साउथ इंडियन नेम है, बाला मुर्गन ये भी साउथ में है, प्रभा वाला, सूरज, शेख सिराज, शेख साजू, शेख नईम, अपूदा मालविया, कालू बघेल। नाम पे गौर कीजिएगा, जो मैं नाम बताने की कोशिश कर रहा हूं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके नाम इसमें शामिल है, किसी का घर नहीं बाकी है, क्योंकि जब आग लगती है ना समाज में, जब इस भीड़ तंत्र के मुंह में खून की जो टेस्ट लग चुका है ना दोस्तों, वो टेस्ट आपके घर को भी जलाएगा। जो लोग आज सेक्युलर बनकर, जो लोग आज जो कम्युनल सोच रखकर और चुपचाप बैठे हुए हैं, वो जाहिल लोगों के घर भी जलेंगे जो आज चुपचाप बैठे हुए हैं। नीलेश, पहलू खान, आपको याद ही होगा पहलू खान, नसीम, शोएब चौधरी, नीलेश, संगीता, अली हसन, हाफिज अब्दुल खालिद, मोहम्मद अयूब, परवीन पुजारी, लजर, मुकाती एलिसा, शमी मख्तर हुसैन, सलमा रेवाती, बच्चर, अशोक देवसी, रमेश, विश्राम, कनवरबम, बालू, सरवैया, मुख्तार, रिजवान, कौशिक, कौशिक पुरकार, इनायतुल्ला खान, मोहम्मद मजलूम, मनक्कडू ये साउथ का नाम है, नसीम बानो, मोहम्मद हुसैन, नुमान, जाहिद, मोहम्मद अखलाक। अब आपको इस बात से एहसास हो गया होगा दोस्तों, जितने भी मैंने नामें बताई आपको, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के नाम है बराबर, लगभग 70 नाम है यहां पर, और इस 70 नामों में लगभग लगभग 40% और 60% हिंदू मुसलमान का रेशियो है। इसमें कौन ऐसी भीड़ है जिसको हिंदू ने छोड़ दिया, मुसलमानों को छोड़ दिया या हिंदुओं को छोड़ दिया? कौन ऐसे इस भीड़ के, ये जो आतंकवादियों की भीड़ है, जब आग लगाएंगे देश के अंदर में तो किसका घर बच रहा है, मुझे जरा बता दें। इसमें अगर किसी के नाम का अगर आपको शक है कि मैंने गलत यहां नाम लिखा है, तो मेरे पास पूरे डिस्क्रिप्शन है कौन से ईयर में किसके साथ क्या हुआ था। अगर जिसको पढ़ना होगा, मैं वो कमेंट बॉक्स में लिंक भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि किस प्रकार से ये जो आतंकवादियों का संगठन है, जिसको सरकार सह दे रही है, जिसको बीजेपी सरकार सह दे रही है, मैं बार बार कह रहा हूं, जिसको बीजेपी सरकार सह दे रही है, अगर बीजेपी के अंदर मर्दानगी होती, सरकार के अंदर ताकत होती, सरकार के अंदर अगर थोड़ी भी शर्मिंदगी होती, जिस प्रकार से भाषण देते हैं, अपनी जबान की कदर होती, अपनी भाषा, अपने अपनी भाषा का इस्तेमाल जो करते हैं कि हमें मार दो पहले आके, मोदी जी का जो ड्रामा देखने को मिलता है, जिस तरीके का टीवी सीरियल में दिखाई देता है, लोगों को बेवकूफ बना कर रखा है इन लोगों ने, जाहिल समझ के रख लिया है पूरे देशवासियों को, 125 करोड़ की आबादी को। राजनाथ सिंह कहते हैं कि राज्य सरकार जिम्मेदार है, मोदी कहता है कि हमें मारो, चाहे इन गरीबों को मत मारो, लेकिन अब तक 60-70 लोगों की मौत हो चुकी है। इतनी मौतें तो अपने देश के सरहद पर आतंकवादी द्वारा, हमारे किसी जवान के भी शहादत नहीं हुई है, जितने देश के अंदर के इन आतंकवादियों की वजह से हमारे देशवासियों को मारा गया है। लगभग 40% इस 70 नामों हिंदू नाम है और 60% मुसलमान का नाम है, सिख भी है इसमें। इन आतंकवादियों की वजह से जितने देश के बॉर्डर पे हमारे शहीद नहीं जवान शहीद हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे देश के अंदर में इन आतंकवादियों ने आतंक मचा के रखा हुआ है। ये चीजें कब तक चलेंगी? आखिर अपीजमेंट का ये जो काम है, ये मोदी द्वारा खरीदे गए ये जितनी भी मीडिया है, ये जितने भी दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये दलालों को सिर्फ नाम मुसलमानों का उछाला जाता है। इतने बार अशोक का नाम, रमेश का नाम, विश्राम का नाम, कुनवाल का नाम, कौशिक पुरके का नाम, इन लोगों ने इतने दिनों तक नहीं हंगामा मचाया, क्योंकि इनको पता है कि ये जो बीजेपी सरकार है, इनडायरेक्टली उन मानसिक बीमार लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है कि देखो हमारे राज्य में मुसलमानों का ये दोहरा दोयम क्लास का, यानी कि दूसरे क्लास के हम लोग नागरिक बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हम लोग मार रहे हैं, इनको हम लोग लिंच कर दे रहे हैं या लिंच करवा दे रहे हैं, मुसलमानों को दूसरे क्लास के दर्जा का एक नागरिक बना के रखने की कोशिश कर रही है सरकार, दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि इनके इनके पूरे किसी की औकात नहीं है जो इस तरह के कर दे, क्योंकि ये देश जो है लोकतंत्र और संविधान से चलने वाला देश है। लेकिन इनकी कोशिश सिर्फ ये है अपीजमेंट, कुछ मानसिक बीमार लोगों को खुश करने के लिए ये जो बीजेपी सरकार है अपीजमेंट का काम कर रही है, और उसके लिए ये आतंकवादियों को पाल कर रखकर ये किसी खास नाम को हमला करवा रही है और मार रही है, ताकि कुछ जाहिलों को खुशी मिले।
मानसिक बीमार लोगों को खुशी मिले, जिनको इस्लामोफोबिया है, जिसको मुसलमान के नाम से थोड़ी नफरत है, ऐसे लोगों को खुश करने के लिए, ऐसे लोगों का। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये बीजेपी ही है और ये आरएसएस ही है जो टीवी पर आकर, मीडिया में आकर, ये बिकाए हुए जितने मौलाना होते हैं या बिके हुए जितने भी ये पैनलिस्ट होते हैं, इनके बीच में आग लगाती है जानबूझकर, इस तरह के माहौल क्रिएट करती है कि टीवी पे जो चीज दिखाया जाता है, आपसी लड़ाई झगड़ा मुंह से, उसका असर समाज के अंदर में पड़ रहा है और समाज जो भीड़ की तरह जाकर उसको आतंकवादियों का रूप देकर भीड़ को मार रही है। ये जो काम है, जो आतंकवादियों को पालने का काम बीजेपी कर रही है, ये आने वाले कल में लोकतंत्र के लिए दोस्तों बहुत बड़ा खतरा है। अगर इस लोकतंत्र को बचाना है तो इस आतंकवादियों को पाले हुए इस सरकार को गिराना नेक्स्ट 2019 में आप लोगों को बहुत जरूरी है। अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूं इस वक्त, चूंकि इसमें 60% मुसलमानों की हत्या की गई है आतंकवादी, ये गौरक्षक आतंकवादियों के द्वारा जो सरकार द्वारा पाले जा रहे हैं, और इसमें 40% हिंदू भाइयों की भी हत्या की गई है। तो इसी बात पर मैं ये कहता हूं कि देश के अंदर में अगर 80% हिंदू भाई या 90% हिंदू भाई सेकुलर हैं, और लगभग मुसलमान जितने भी हैं देश के अंदर में 20 या 25 करोड़ की आबादी, आप जितने भी लोग वोट देते हैं, लगभग 150 वोट सीट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वहां मुसलमान जीते या ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी को भी, बीजेपी ये साफ कहती है कि मुझे मुसलमानों के वोट से कोई मतलब नहीं है, ना मैं उसको टिकट देने वाला हूं। तो जब लेकिन इस बात से कोई नहीं मुकर सकता है कि मुसलमान के वोट से कोई हार या जीत तो जरूर सकता है। भले मुसलमान कोई ना जीते, भले उनको टिकट ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ही बीजेपी आई है। तो अगर मुसलमान जीतता नहीं है, लेकिन इतनी औकात तो जरूर है देश के मुसलमानों के वोट में कि वो किसी सरकार के कैंडिडेट को कुछ इलाकों में लगभग 100 से 150 के सीट पर हरा सकती है या जिता सकती है। तो इसी बात पर अगर जितने भी देश के जागरूक मुसलमान हैं और जितने भी देश के सेकुलर हिंदू भाई हैं, अगर सिर्फ ये इरादा कर लें कि 2019 में मुझे ऐसे फासिस्ट, ऐसे गुंडों के राज, ऐसे आतंकवादियों को पालने वाली सरकार या उसके नेता को मुझे वोट नहीं देना है, तो कोई माई का लाल आने वाले कल में 2019 के इलेक्शन में इस आतंकवादी के पालने वाले सरकार को नहीं ला सकती है। अगर ईमानदारी है, जितने लोग यहां पर आज सेकुलर बनकर अभी कुछ देर पहले मुझे मेरे पोस्ट पे कमेंट कर रहे थे कि इसकी बात को छोड़ो, उसकी बात को छोड़ो, मैं क्यों छोड़ू? अगर आपके मुंह में जबान नहीं है, अगर आप अपने हिंदू भाइयों के आतंकवादियों के द्वारा मारे जा रहे, हत्या कर दिए जा रहे हैं, उसके लिए आप नहीं बोल सकते हैं, तो क्या मैं भी ना बोलूं? और जिस प्रकार से देश के अंदर में हिंदू मुसलमान करके आग लगाने की कोशिश कर रही है, हम सब तो इसीलिए जाने जाते हैं कि हम लोग इसके खिलाफ बोलते हैं। इन आंकड़ों से यह पता चल रहा है कि 70-60% अगर मुसलमान मारे गए हैं तो 30% हिंदू भी मारे गए हैं। तो आप जब अपने सड़क पे नहीं उतर सकते हैं, जब आप मुंह खोल के नहीं बोल सकते हैं, जब आप हंगामा नहीं कर सकते हैं, तो हमें ही करना पड़ेगा। लेकिन आपका नहीं बोलना हमें इस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है कि हर चीज को कम्युनलाइज कर दिया जाता है कि भाई देखो हर बात पे मुसलमान ही बोलते हैं, लेकिन मुझे एज ए मुसलमान देख के ना आप लोग बोलो। एक इंडियन, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं इस बारे में बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से आप ये लिस्ट देख रहे हैं, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक लगभग 70 नाम है जिसमें 60% मुसलमान और 40% हिंदू है, तो क्यों नहीं हमारे हिंदू सेकुलर भाई भी इसके लिए खिलाफ में सड़क पर उतर रहे हैं और मोर्चा खोल रहे हैं? क्या इसकी जिम्मेदारी किसी एक मुसलमान की है? क्या मुसलमान सेकुलरिज्म का बोझ अपने कंधे पर लगा के रखे हुए हैं? अगर इस बात को नहीं समझ सकते हैं, इस देश के ऊपर जो मंडरा रहा खतरा उसको नहीं भांप सकते हैं आप, तो इसका मतलब साफ है कि आप लोग ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि आप लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं और संविधान पे विश्वास रखते हैं। चुप हो जाना नहीं देगा किसी भी प्रकार का आपको रिजल्ट। ये सरकार जो है आतंकवादियों को पाल पोस रही है जानबूझकर, जब देखती है ना कि जब अगर दो करोड़ लोगों को रोजगार देती तो कम से कम 120 करोड़ की आबादी जो है, 130 करोड़ की आबादी जो है, उसमें से 2 करोड़ की आबादी को अगर रोजगार मिलता तो कम से कम 180 लाख 190 लाख तो हमारे हिंदू भाइयों को मिलता, क्यों नहीं इस पे सवाल होता है? इसी सवाल से बचने के लिए
केवल एक नाम को हाईलाइट किया जाता है, अखलाक की हत्या हो गई, अकबर की हत्या हो गई, रमेश की हत्या हो गई, लेकिन रमेश को टीवी पे उतना नहीं दिखाया जाएगा जितना कि अकबर और रहबर को दिखाया जाएगा। क्योंकि इससे क्या होता है ना, देश के अंदर में माहौल चेंज हो जाता है, हिंदू मुसलमान आपस में आके बात करने लग जाते हैं, उसके बाद से क्या होता है फिर लोग अपने रोजगार के बारे में बात करना भूल जाते हैं, हिंदू मुसलमान के टॉपिक के आते ही किसानों के बारे में लोग भूल जाते हैं। राज श्रीवास्तव भाई, ईवीएम एक समस्या जरूर है, मैं मानता हूं ईवीएम एक समस्या जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि अगर इस देश की लगभग 70-80 करोड़ की आबादी वोट देती है, अगर 70 करोड़ की आबादी वोट देती है, अगर 50 करोड़ की आबादी एक तरफ वोट देती है, क्योंकि आबादी हमारे देश में लगभग 60-70% वोटर है, यानी मान लीजिए कि 60 करोड़ वोटर है, उसमें से सिर्फ 56% वोट पड़ता है, तो मान लीजिए 30-35 करोड़ वोट पड़ता है, क्या अगर 20 करोड़ लोग एक तरफ वोट दे देंगे तो ईवीएम मशीन कितना हैक कर लेगा, कोई ईवीएम, मैं तो ये कह रहा हूं कि कम से कम, और कोई नहीं तो मैं, अगर मुझे कोई मुसलमान समझ रहा है तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से ही कह रहा हूं कि मुसलमान भाइयों, जितने भी वोट आप देने वाले लोग हो, 2019 के इलेक्शन में आप ऐसे आतंकवादी संगठन वालों को वोट मत देना, और जितने भी हमारे सेक्युलर भाई होंगे, मुझे एक हिंदुस्तानी समझने के नाते भी आपको मैं बोल रहा हूं, अगर आप मुझे हिंदुस्तानी समझते हैं तो मैं आपसे भी बोल रहा हूं कि इस आतंकवादियों को पालने वाली सरकार को 2019 में आप वोट मत देना। अब मेरी गुजारिश दोनों से है कि ये जो देश के अंदर में लोकतंत्र के ऊपर में खतरा लगातार मंडराया जा रहा है, और जिस प्रकार से देश के अंदर में आग लगाने की कोशिश की जा रही है, हर पहलुओं पर, हर मुद्दे पर फेल होती हुई सरकार दिख रही है, किसी भी प्रकार से जवाब नहीं है इसके पास से, देश के ऊपर कर्जा बढ़ाया जा रहा है, देश के ऊपर हर प्रकार से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हर नीति फेल हो रही है, हर अर्थव्यवस्था हमारी बर्बाद हो रही है, नोटबंदी में 300 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई, मैं इसको हत्या मानता हूं, क्योंकि जब आपने कोई चीज प्लानिंग के तहत नहीं करी, बिना प्लान के तहत करी, बिना कंसिक्वेंसेस को जाने हुए करी, जिसका नुकसान हमारे देश को हुआ, जिससे हमारी जाने गई, हमारे देश के नागरिकों के लगभग 300 जाने गई, तो इसको एक प्लानिंग के तहत किया गया हत्या माना जाएगा, उसके बारे में कोई जवाबदेही नहीं, पैसे कितने आए काले धन उसके बारे में कोई जवाबदेही नहीं, और ये जो नाम दिख रहे हैं आपको 70 नाम, ये जो 70 नाम आपको दिख रहे हैं इसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं, तो फिर किस प्रकार से इस देश की सरकार को मौका देने की बात हो रही है। मैं कुछ दिन पहले तक अविश्वास प्रस्ताव के बारे में इसलिए बोलता था क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट के काम को डिस्टर्ब कर रहा था, इसमें किसी भी प्रकार के कानून बनने की बात नहीं हो पा रही थी, और वही हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ इस अविश्वास प्रस्ताव का, और इसी सत्र में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनने की बात थी, मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून बनने की बात थी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के लिए कानून बनने की बात थी, आर्मी को लेकर कई ऐसे चीजों को लाने की बात थी, लेकिन ये सारी की चीजें, सारी की सारी चीजें धरी रह गई, क्यों? ये दोनों पार्टियां जो हैं मिलकर लोगों को बेवकूफ बना रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अभी मैं एक सरेश जफर वाला जो है, आपको याद होगा सरेश जफर वाला जो गुजरात के रहने वाले हैं, मोदी जी के बड़े ही दाहिने हाथ कहे जाते थे, उनके मैं उनके अभी एक बयान को सुन रहा था, उन्होंने साफ कहा कि जिस प्रकार से सरकार जो चल रही है, मैं जो सोचता था वो चीज अब नहीं है, तो हर तरीके से ये जो सरकार है किसी के भरोसा जीतने के लायक नहीं है। हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि जो काम अच्छा होगा हम उसकी तारीफ करेंगे, और जो काम गलत होगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे। तो ये जो आतंकवादियों को पालने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, और इनके नेता जो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं आकर, ये एक नंबर के अनपढ़ जाहिल गवार जो है ये नेता बने हुए हैं। एक नेता कहता है ये आकर कि मोदी जी फेमस हो गए हैं, इस वजह से इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इन जाहिलों को, इनको पता भी नहीं है इस देश में के अंदर में कि लॉ एंड ऑर्डर को खराब हो जाने की वजह से देश के अंदर में जो जिस प्रकार से ये जो हुआ है अलवर में, अगर उनके बेटे होते, अगर उनके भाई होते, आपको पता होगा कि एक ही केस एक बीच में सुनने में आपको आया था, एक आईएएस ऑफिसर की बेटी को एक नेता के बेटे ने पीछा कर दिया था गाड़ी से, तो कितना बवाल मचा था। आज यहां पर
लगभग 60-70 नामों को मैं जो इधर साइड में दिखा रहा हूं, जिसमें हिंदू मुसलमान सब हैं, इनको 20 सड़क पर भीड़ ने मार दिया है, आतंकवादियों ने मार दिया है, इन देश के गौ रक्षक आतंकवादी संगठनों ने मार दिया है। अगर इसके खिलाफ अगर कोई नहीं बोल सकता है, जो लोग सेक्युलर हैं वो नहीं बोल सकते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप किसी की मौत में वजह ढूंढने वालों में से हैं और आप भी उन आतंकवादियों को मदद करने वालों में से एक हैं। किसी भी प्रकार के क्राइम की सजा एक भीड़ नहीं दे सकती है, किसी भी प्रकार के घटना या किसी भी प्रकार के क्राइम जो है उसकी सजा और उसका फैसला एक भीड़ तंत्र नहीं कर सकता है। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर चलेगा, और इसको जो मजबूत नहीं बना सकता है उसको इस देश के सत्ता पे बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। 2019 का इलेक्शन आने वाला है, कुछ बीमार मानसिकता के लोग जिनके ऊपर धर्म का जो है पट्टा चढ़ा हुआ है, जो धर्मांध हो चुके हैं, जिनको ये लगता है कि देश को जो आगे चलकर ये धर्मों पर चला देंगे आकर, इसी तरह से बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है हिंदू मुसलमान करके, हिंदुत्व करके या कट्टरवाद की बात करके, तो ऐसे लोग याद रखिएगा आपको सिर्फ और सिर्फ जहर पिला रहे हैं, जिसको मरना आपको ही एक दिन होगा। ये देश का, इस देश के संविधान को बदलने के लिए, इस देश के संविधान को बनाने के लिए बहुतों ने कुर्बानी दी थी, और इसको बहुत आसानी से कोई नहीं बदल सकता है, एक बात ध्यान में ये भी रख लीजिएगा। तो देश के अंदर में इन आतंकवादियों को जो पनाह दे रही है सरकार, इसको एक सबक सिखाने की जरूरत है 2019 में इलेक्शन के दौर में। दोस्तों इसको भूलिएगा नहीं आप लोग, ये जो 70 नाम है, ये वीडियो भी मेरा कंटिन्यू रहेगा जब तक 2019 आएगा, लेकिन इसको जो अगर नहीं रोक पाती है सरकार, अगर कानून नहीं बनाती है इस मॉब लिंचिंग के खिलाफ, तो याद रखिएगा आने वाले कल में आपका भी घर जलेगा, सबका घर जलेगा। क्योंकि जब जब समाज डूबता है ना, जब समाज में आग लगता है, तो ये मत सोचिएगा कि आपका घर नहीं जलेगा, किसी एक का ही घर जलेगा। मैं आप लोगों का कमेंट ले लेता हूं। जसवीर भाई, बिल्कुल ईवीएम तो है ही, लेकिन ये जो है पुलिस जिसका काम है रोकने का, ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये जो आतंकवादियों को पकड़ने की काम होने चाहिए, इसके लिए ईवीएम थोड़ी जिम्मेदार है। इसके लिए तो आपको पुलिस को और मोदी को और उसके राज्य सरकारों को तो ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा हत्याएं यूपी में, राजस्थान में हो रही है, तो दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। साजिद भाई कहते हैं, रफीक भाई, आम इंसान क्या कर सकता है इन जैसी घटनाओं, आम इंसान तो ही तो सब कुछ कर रहा है मेरे भाई। आपको वोट ही तो देना है, और वोट आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे मत दीजिएगा कभी, यही मैं कह रहा हूं। आज ये जितनी भी घटनाएं घट रही है ना, इसमें गधे और घोड़े दोनों चिन लिए गए थे, किसी एक चेहरे को दिखाकर, एक हवा दिखाकर, 10 साल कांग्रेस के बेवकूफियाना चीजों को दिखाकर जिस तरह से वोट लिया गया, उसमें गधे और घोड़े दोनों जीत गए हैं। अगर लोग ईमानदारी से चुनते, चाहे वो जिस पार्टी का नेता जीतता, चाहे जिसकी पार्टी बनती, अगर आप हिंदू मुसलमान देख के वोट नहीं देते, तो शायद ये घटनाएं नहीं घटती। इसमें रमेश नहीं मारा जाता भीड़ में, इसमें अशोक नहीं मारे जाते भीड़ में, इसमें बबलू सरवैया नहीं मारे जाते भीड़ में, इसमें रिजवान कौशिक इनायतुल्ला नहीं मारे जाते भीड़ में। लगभग 70 नाम है दोस्तों, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं। तो मैं यही कहना चाहता था कि जब आग लगेगी समाज में ना, तो इसमें आपका भी घर जद में आएगा, आपके भी घर में आग लगेगी, कम से कम धुआं से तो परेशानी हो ही जाएगी। ये जरूरी है दोस्तों समझना कि इस देश के अंदर में डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा है इन आतंकवादियों के द्वारा, और इसको सह देने वाली सरकार के द्वारा। इसके खिलाफ अगर आप सब नहीं हुए, हम सब नहीं हुए साथ में, हिंदू मुस्लिम जितने भी ईमानदार और देश के लोकतंत्र पे और संविधान पे भरोसा रखते हैं, सेकुलरिज्म पे भरोसा रखते हैं, तो याद रखिएगा ये देश के ऊपर जिस प्रकार के खतरा ये लोगों ने मंडराने का कोशिश कर दिया है, खतरा ला दिया है। आप देखो किस प्रकार से देश की बेइज्जती हो रही है। स्क्वैश खिलाड़ी जो इतनी टॉप की खिलाड़ी है, वो इंडिया आने से मना कर दी। सोच लो, उसने ये कह दिया कि नहीं, मैं इंडिया जाके नहीं खेलूंगी। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में पत्रकारिता 170वें स्थान पर है, महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार को लेकर इंडिया टॉप पर है, विदेश पॉलिसीज हमारी फेल होती दिख रही हैं, सारी चीजें तो फेल हो रही हैं दोस्तों। किस प्रकार से हम इस सरकार को मौका दें दोबारा।
मुझे ये सारी घटनाएं जो हैं देखकर, मैं ये जब लिस्ट पढ़ रहा था, मैं एक एक नाम के पूरे डिस्क्रिप्शन को देख रहा था, महाराष्ट्र में, यूपी में, राजस्थान में, हर जगह ये देखो भीड़ के नाम पे लोगों को मार दिया जा रहा है। ये जो मामला है ये बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, ये डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है, आप सबको समझने की जरूरत है। भीड़ तंत्र को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है उसे तो यही जाहिर होता है कि सरकार की ऐसी कोई मानसिकता ही नहीं है कि जिस पर कोई कड़ा कानून बनाकर इन आतंकवादियों पर उचित कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूं राज श्रीवास्तव भाई कि आप, और एक बात याद रखिएगा, ये उन आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली की भी भाषा होती है। जब आप किसी एक घटना के बारे में बात करेंगे तो आपको चुप कराने के लिए वो ये कहेंगे कि तुम्हारे उस बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट दोज एक्सीडेंट्स, व्हाट अबाउट दोज इंसिडेंट्स, व्हाट अबाउट दोज इश्यूज। जब भी आप कोई बात करेंगे ना, जैसे मैंने भीड़ तंत्र पे बात करने की कोशिश करी है, हम लोगों ने कश्मीर के उन पत्थरबाजों पर भी बात करी है, हम लोगों ने कलकत्ता के अंदर में हो रहे हत्याओं पर भी बात करी है, केरला के अंदर हो रहे हत्याओं पर भी बात करी है, लेकिन जब आप टॉपिक एक लेकर आने की बात करेंगे ना तो उन आतंकवादियों की मदद करने वाले आतंकवादी वाले सोच वाले लोग ये कहेंगे कि अरे आप तो अभी इनके बारे में बात कर रहे हो, उनके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे, आप इनके बारे में बात कर रहे हो, उनके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। ये उन आतंकवादियों की सोच है जो इस तरह के चीजों को बढ़ावा देती है। ये आपके हमारे समाज में ही रहने वाले लोग हैं, फेसबुक पर भी दिख जाएंगे यहां पर आपको, उनके कमेंट भी आपको दिख जाएंगे जो इस तरह की चीजों को लिखते हैं कि अच्छा आप तो इसके बारे में बोल रहे हैं, इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों कि अगर आपको समस्या का समाधान चाहिए, अगर भीड़ तंत्र पे कंट्रोल चाहिए, चाहे वो पत्थरबाज हो, चाहे वो इन आतंकवादी गौ रक्षक आतंकवादी हो, इनके ऊपर कंट्रोल करना है, तो कम से कम आपको कानून बनाने के लिए सरकार से जिद करनी पड़ेगी। 2019 का इलेक्शन आने वाला है, पूरे मुसलमान, जितने भी मुसलमान है, जितने भी इस घटनाओं को देख रहे हैं, आप तो बिल्कुल वोट मत देना, और जितने भी हमारे सेक्युलर हिंदू भाई हैं, मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से आज आप विरोध कर रहे हैं वो कल भी करेंगे, और वोट में ये चीज तब्दील होनी चाहिए। ये और किसी तीसरे को मौका दीजिए, मैं ये भी नहीं कहता कि कांग्रेस को चुनिए या किसी को चुनिए, आम आदमी पार्टी है उनको मौका दीजिए, सपा में बहुत सारे नेता हैं, आरजेडी में है, ममता बनर्जी की है, बसपा की है, दूसरी पार्टी, तीसरे को मौका दीजिए। ये दोनों पार्टियां मिलकर देश के ऊपर बहुत जातियां कर रखे हैं, इन लोगों ने देश को बहुत बुरे तरीके से तोड़ रखा है इन लोगों ने, तो तीसरे को मौका दीजिए। जसवीर कहते हैं, जसवीर पाजी कह रहे हैं, हिंदुत्व वंदे मातरम, राष्ट्रवाद और देशभक्ति की आड़ में सारे कुकर्म हो रहे हैं। बिल्कुल, अपराध, भ्रष्टाचार, लूट छुपाई जा रही है और काला धन सफेद में बनाया जा रहा है, यही तो करा जा रहा है जसवीर सर पाजी, यही किया जा रहा है। लोगों को झूठे चीजों में फंसाकर, झूठे बातों में फंसाकर, फालतू के लड़ाई झगड़े में फंसाकर, हिंदू मुसलमान करके सिर्फ और सिर्फ आपको मेन मुद्दे से भटकाया जा रहा है, जिसका कोई भी मतलब जीवन, इंसान जो भारत में रहता है उसकी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। सिर्फ उन बेरोजगारों को जो रैलियों में बुलाए जाते हैं 500 रुपए देकर, या ये जो जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रोल करने वाले जितने भी आईटी सेल वाले लोग हैं, इन लोगों को कुछ 500 रुपए देकर इन लोगों को रोजगार पर रख लिया गया बीजेपी के द्वारा, ताकि सिर्फ और सिर्फ ये लोगों के जबान पर हमला करें, आपके और हमारे ऊपर हमला करें, आतंकवादी वाली बात करें, हिंदू मुसलमान करें, दैट्स इट। सपोर्ट रीजनल पार्टी, नो बीजेपी, नो कांग्रेस। यूसुफ हुसैन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, बिल्कुल एम्पावरमेंट की बिल्कुल जरूरत है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, दोनों समाज को जरूरी है ये कि आप पॉलिटिकली जानकार बने। अभी अभी मैं एक बहस देख रहा था, एक डिबेट पढ़ रहा था, देख रहा था, जिसमें ये बताया गया था कि एक ही समय में लोकसभा का और राज्यसभा का इलेक्शन अगर कराया जाए तो क्या फायदा या नुकसान है। तो इसमें सबसे मेन जो मुद्दा आया, सबसे मेन जो इशू आया, वो ये आया कि लोग जागरूक नहीं है, लोग जानकार नहीं है, लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि इलेक्शन हम किसके लिए वोट दे रहे हैं और किसका क्या कर्तव्य है, किसको किस बिना पे हमको चुनना है। तो पॉलिटिकली अवेयर होना दोनों समाज में, हिंदू समाज, सिख समाज, हिंदू मुस्लिम समाज, हर समाज में ये जरूरी है कि लोग पॉलिटिकली अवेयर हो।
ये एक देखो ये बेवकूफ इंसान है आके यहाँ पर चर्चा करनी है तो किसी एक पे मत करो। अरे जाहिल इंसान, तुम्हारे नाम भी मैंने यहाँ पे जुड़वा दिए हैं, तुम्हारे अगर तुम हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो तो ये तुम्हारे नाम इसमें भी है, रमेश भी है, विश्राम भी है, कुंदवान भी है, इसमें तुम्हारे हिंदू भाई भी है। जाहिल इंसान, अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भीड़ तंत्र, ये आतंकवादियों का जो तंत्र है, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं देख रहे हैं। अभी किसी झारखंड में उस संत के ऊपर, वो कौन थे, उन संत के ऊपर भी आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, भीड़ तंत्र ने हमला कर दिया था, वो कौन थे? क्यों तुम इसको हिंदू मुसलमान के नाम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? अगर ये भीड़ तंत्र है जो जिसके मुंह में खून का चस्का लग गया है, ये कल को तुम्हारे घर में भी घुस जाएंगे, चाहे कोई हो सकता है कि वो दूसरा भीड़ हो जो तुम्हारे से नफरत करता हो, वो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी हत्या कर दे। ये जो भीड़ है ये दूसरे से नफरत करता है, ये जिस तरीके से मार रहे हैं, ये क्यों भूल जा रहे हो? भीड़ तंत्र लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, देश के ऊपर खतरा है, देश की संप्रभुता पे खतरा है। तो अपनी जो जाहिलियत है ना, ये अपने पास रखो और जिसको चुनते हो, जिसके चेले हो, चपाटे हो, उसके पास जाके बैठो। खैर चलिए, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ये है पूरे लिस्ट का नाम, जिसमें आप देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख सबका नाम है, इसमें कोई बचा हुआ नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता है कि सिर्फ मुसलमान और हिंदू के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, ये पूरे देश के ऊपर खतरा है दोस्तों, ये जो भीड़ तंत्र है। आप सब लोगों को इस पर लगातार कोशिश करनी है कि सरकार से जिद करके इसके ऊपर कानून बनाया जाए। और मैं इसी वजह से भी कांग्रेस के ऊपर मैं भड़का हुआ था कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, जो ड्रामेबाजी हुई है, ये सब लोग जानते हैं कि बीजेपी पिछले 4 सालों से अपने पूरे भी बात को नकार गई है, यू टर्न ले लिया, किसी भी प्रकार के अपने वादों को पूरा नहीं किया उसने। तो जब सत्र चल रहा था जिसमें कानून बनाने की बात आई, तो उसमें क्या जरूरत थी ये फालतू की चीजों को घुसाने की? भीड़ तंत्र पे क्यों नहीं इसने कानून बनवाने के लिए मदद किया बीजेपी को, या बीजेपी ने क्यों नहीं नियत दिखाई कि मुझे कानून बनाना है? ये अविश्वास प्रस्ताव जैसे चीजों को आप लोग लाकर डिस्टर्ब मत करो, जबकि ये सब जानते थे कि अविश्वास प्रस्ताव कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरीके की चर्चा हुई, हर रोज वो मीडिया में होता है कि रोजगार नहीं मिला, हर रोज होता है कि लोकतंत्र पे खतरा है, हर रोज हुआ है कि मोदी जी केवल घूम रहे हैं, सूट बूट की सरकार है, इनके नेता उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, देश में हत्याएं हो रही हैं, आतंकवादियों को रोक नहीं पा रहे हैं, हर रोज होता है, ये तो सब जानते हैं। तो सत्र आप रोक कर क्या फायदा हुआ देश का? तो खैर ये नाम है, अब आप इंतजार कीजिए कि ये इन 70 नामों में और किसका नाम जुड़ सकता है। हो सकता है आपका नाम जुड़ जाए, हो सकता है मेरा नाम जुड़ जाए, हो सकता है किसी का नाम जुड़ जाए, वो चाहे किसी धर्म मजहब जात का हो। इंतजार कीजिए ये कब देश हिंदुस्तान से रेपिस्तान और लिंचिस्तान बन जाएगा, कोई नहीं जानता। धन्यवाद, आप सब लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है दोस्तों। जय हिंद।